हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी आपकी सिंपल क्लोज कर्व आपकी होगी। यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे जो आपकी क्लोज सिंपल क्लोज कर्व की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे देखिए, सिंपल क्लोज्ड यह आपकी होती है, जो आपके सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्लोज प्लेन कर्व सच एज सर्कल और इलिप्स दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देखिए, आपका डेफिनेशन कहता है कि आपका जो एक क्लोज्ड प्लेन कर्व होता है, जैसे कि आपका सर्कल होता है, इलिप्स होता है, दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इट्सेल्फ, या आपको अपने आप को स्वयं के मतलब द्वारा इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसको हमारा कहा गया है सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फिगर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फिगर नंबर फर्स्ट को यदि हम कंसिडर करें, यहाँ पे देखिए, आपकी फिगर यहाँ से स्टार्ट होती है, देन ये आपका मतलब कर्व शेप में तो है ये, बट ये क्लोज्ड नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये ओपन है यहाँ से ये, तो ये आपका फिगर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज़ नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो आपका फर्स्ट आपका हो जाएगा इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, या आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्लोज्ड तो है, बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये आपका इंटरसेक्ट हो गया आपस में, और आपकी डेफिनेशन कहती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आपका सेकंड यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व ये आपका नहीं होगा। इसी तरह यदि हम थर्ड को चेक करें, यहाँ पे देखिए, थर्ड पे आपका क्या हो रहा है, ये क्लोज्ड भी है देखिए, क्योंकि इसकी कोई भी साइड ओपन नहीं है, ये आपका क्लोज्ड हो गया। एंड यदि हम सिंपल की बात करें, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए इसकी साइड्स। यहाँ पे देखिए, आपका सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन ये आपका जो थर्ड वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, यह आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। यदि हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ में भी आपका देखिए क्लोज्ड है ये, एंड यहाँ पे आपका कोई भी साइड इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर रही है, देन आपका फोर्थ भी सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, जो आपकी डेफिनेशन है, देन ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यह आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन जो मतलब यहाँ पे फर्स्ट है, जो ये फर्स्ट वाली फिगर आपकी क्लोज्ड कर्व नहीं होगी, सेकंड भी आपकी क्लोज्ड कर्व नहीं होगी, या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हम इसको कह सकते हैं, देन थर्ड यहाँ पे देखिए, ये आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एंड फोर्थ भी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हैंस यहाँ पे आपका हो जाएगा फिगर थर्ड एंड
Fourth is simple closed curve. ये आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.